रायसेन शिवरात्रि के पावन मौके पर शिव के राज में शिव ने खोला तीसरा नेत्र। बेगमगंज गिरदगंज की तहसील में देर रात को भीषण ओले गिरे, जिससे किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। लगभग 100 गांव पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है फसलें। ओले के आकार इतना बड़ा था कि घरों के कबेलू टूट गए। कई जगह जंगली जानवरों के मरने की आशंका है। रात को गिरे ओले 5 घंटे बीत जाने के बाद भी गले नहीं। ओले गिरने से चना, मसूर, गेहूं आदि की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। इस प्राकृतिक आपदा की घड़ी में प्रशासन पूरा अमला सर्वे करने में जुट गया। रायसेन कलेक्टर श्रीमती भावना विलंबे ओला प्रभावित गांवों का दौरा किया। वहीं पर राजेन तोमर किसानों को उचित मुआवजे की बात रखी। वहीं पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मलखान सिंह जाट भी किसानों के साथ खड़े रहे और क्षेत्र में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों में लोक निर्माण मंत्री ने कलेक्टर को सर्वे के दिए थे निर्देश। ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों के बीच पहुंचे लोक निर्माण मंत्री के निज सचिव बोला शंकर पाराशर। मंगलवार की सुबह 4 और 5 बजे के बीच जोरदार बारिश के साथ धुआंधार ओलावृष्टि से बेगमगंज तहसील के लगभग 100 गांव प्रभावित हुए। 50 गांव सबसे ज्यादा ओलावृष्टि से प्रभावित हुए। कुछ गांव में 75% नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह राजपूत को ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों की खबर मिलते ही तत्काल रायसेन कलेक्टर श्रीमती भावना विलंबे को निर्देशित किया कि तत्काल ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित फसलों को नुकसान की जानकारी से अवगत कराएं। उक्त निर्देश पर रायसेन कलेक्टर श्रीमती भावना विलंबे तत्काल राजस्व अमले के साथ बेगमगंज तहसील के ग्राम महुआखेड़ा कला, द्वास, सागोनी, गुसाई, मुरपा, नारायणपुर, खजुरिया, झिरिया, जरुआ, रहमा, पिपलिया, बेरकेड़ी, टेकापार, जमुनिया, बमोरी, मजगुआ, गोरखी, खामखेड़ा, तुलसीपार, साथ ही ओलावृष्टि की खबर मिलते ही लोक निर्माण मंत्री के निज सचिव राज गैरतगंज बेगमगंज साची क्षेत्र में अर्ली मॉर्निंग कुछ भारी ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई थी, तो सभी पटवारी और एग्रीकल्चर का स्टाफ क्षेत्र भ्रमण पर है। हम लोग भी गांव गांव घूमकर एसडीएम तहसीलदार सभी फील्ड पर हैं और हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं जितना भी जिस हिसाब से हानि हुई उस हिसाब से प्रकरण बनाया जाकर लोगों को सहायता प्रदान की जाएगी। थैंक यू। दीदी स्ट्रिक्टली निर्देश दे दें, कभी कभी भेदभाव हो जाता है हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा। नहीं, नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली होगा, नहीं भेदभाव हो जाता कहीं नहीं होता। कोई भेदभाव कैसे होगा जब सब जगह कर रहे हैं। हमारा निवेदन भी वही है, हमारा भी आपसे निवेदन है, भेदभाव हो ही नहीं सकता आपसे, नहीं है मतलब ऐसा कर ही नहीं सकते हम।